President has proclaimed emergency. तब कहीं जाके भारतीय सरकार ने खुद का कोला लॉन्च किया था, जिसका नाम बेहद इंटरेस्टिंग था। उसका नाम रखा गया था कोका कोला। दुनिया की मोस्ट पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक्स में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार खुद का भी कोला निकाला था? क्या है इसके पीछे की कहानी और क्या हुआ हमारी सरकारी कोला का, जानते हैं इस वीडियो में। अब इस सरकारी कोला के इतिहास को समझने के लिए मैं आपको इतिहास के पन्नों में थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। ये बात है 1975 की, जब इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। तब उन्होंने अचानक से इमरजेंसी लागू कर दी थी। इमरजेंसी के वो दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे काले दिन माने जाते हैं, क्योंकि हर एक भारतीय का मौलिक अधिकार उस वक्त उनसे छीन लिया गया था, जब 21 महीने बाद यानी कि 1977 में, यानी 1977 में इमरजेंसी को जब हटाया गया था और उसके बाद जब चुनाव करवाए गए थे, तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई थी और भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार नॉन कांग्रेसी सरकार मुरारजी देसाई के नेतृत्व में बनने जा रही थी। अब सरकार नहीं थी तो नियम भी नए आने ही थे। कुछ नए नियमों में एक नियम यह भी था कि अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस चलाना चाहती है तो उसे इंडियन पार्टनर्स चुनने होंगे और उनको 60% हिस्सेदारी देनी होगी। अब इसमें कोका कोला भी शामिल थी, लेकिन कोका कोला को यह चीज मंजूर नहीं थी। वो अपनी रेसिपी इंडियन इन्वेस्टर्स के साथ साझा नहीं करना चाहती थी। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आज भी कोका कोला की रेसिपी पूरे दुनिया में सिर्फ 2 लोगों को पता है और उन्हें पूरी निगरानी के साथ रखा जाता है, और वो भी कोका कोला के बहुत ही विश्वासी 2 लोग हैं। लेकिन तब कोका कोला को यह मंजूर नहीं था और इसीलिए उन्होंने इंडिया में अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया था। अब इस कहानी में आया असली ट्विस्ट। जब कोका कोला कंपनी ने भारतीय मार्केट को छोड़ दिया था, तब भारत की सरकार ने सोचा कि क्यों ना इतने बड़े मार्केट को हम खुद कैप्चर करें और क्यों ना अपना एक कोला लॉन्च करें। तब कहीं जाके भारतीय सरकार ने खुद का कोला लॉन्च किया था, जिसका नाम बेहद इंटरेस्टिंग था। उसका नाम रखा गया था 77, जिसको सरकारी कोला भी कहा जाता था। पर सवाल यह है कि इसका नाम 77 ही क्यों रखा गया? देखिए, इसके पीछे भी एक भारी गहरी मंशा थी। वो क्या थी, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली 1977 यानी कि 1977 को इमरजेंसी का साल कहा जाता है। ये वो साल था जब 21 महीने बाद भारत की जनता को इमरजेंसी से आजादी मिली थी। ये वो साल था जब पहली बार भारत के इतिहास में एक नॉन कांग्रेसी सरकार बनी थी। ये वो साल था जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। गाइस, तब की तत्कालीन सरकार ये चाहती थी 1977 को 77 के तौर पर हमेशा याद रखें और कांग्रेस को हमेशा सत्ता से बाहर रखें। इसी वजह से इसका नाम 77 रखा गया था। और मजे की बात ये है कि इस ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी मॉडर्न फूड इंडस्ट्री ही करती थी। पर सरकारी कोला 77 का ये आइडिया इंडियन मार्केट में पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। इंडियन मार्केट में 77 चल ही नहीं पाई, वैसे ही जैसे कि मुरारजी देसाई की सरकार नहीं चल पाई। 1979 में उनकी सरकार गिर गई और मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया। 1980 के चुनाव जीतकर इंदिरा गांधी फिर से भारत की प्रधानमंत्री बन गई और उसके बाद आते ही उन्होंने सबसे पहले 77 कोला की मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरीके से बंद किया, क्योंकि उन्हें वो 1977 की हार की याद दिलाता था। नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी, 1977 की वो इमरजेंसी एक काला अध्याय था और जनता ने इसके लिए कांग्रेस को सबक भी सिखाया था। लेकिन उसी त्रासदी को अपनी ढाल बना के किसी कोल्ड ड्रिंक का नाम रख देना, यह भी शायद जनता को पसंद नहीं आया और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं दूसरी सरकार को भी भुगतना पड़ा था। इसलिए कहते हैं अपनी सोच सही रखना बेहद जरूरी है और इस पे यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। अच्छी सोच लिए परिंदा आसमान तक जाता है, सोच डुबाई अगर तो सीधा औंधे मुंह जमीन पर आता है। इसलिए अपनी सोच को ठीक रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं।